ये चिकवी का एक प्लांट्स है जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर चुका है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट कर दिया इस प्लांट्स ने। हम इस वीडियो में चिकपी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। ये चिकपी का प्लांट्स का जो है ये स्टेम है, मेन स्टेम से ब्रांच निकल रही है, ये मेन स्टेम है। उसके बाद ये प्राइमरी ब्रांचेस, ये भी प्राइमरी ब्रांचेस और ये भी प्राइमरी ब्रांचेस। जो भी ब्रांचेस मेन स्टेम से निकलेगी वो प्राइमरी ब्रांचेस होगी, जिस तरह ये प्राइमरी ब्रांचेस है, ये प्राइमरी ब्रांचेस है, ये प्राइमरी ब्रांचेस है और ये प्राइमरी ब्रांचेस है। छोटी छोटी ब्रांचेस आगे निकलती है, सब ब्रांचेस वो मेन ब्रांचेस होगी। और जो ब्रांचेस प्राइमरी ब्रांचेस से निकलेगी वो सेकेंडरी ब्रांचेस होगी, ये जिस तरह ये सेकेंडरी ब्रांचेस है, ये भी सेकेंडरी ब्रांचेस है, ये भी सेकेंडरी ब्रांचेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये प्राइमरी ब्रांचेस है कंप्लीट, ये बड़ी ब्रांच है वो प्राइमरी ब्रांच है, ऊपर तक जा रही है क्योंकि ये मेन स्टेम से निकलती है। ये यहाँ से लेके आगे तक स्टेम जा रहा है, ये भी प्राइमरी ब्रांचेस है। अब देखें ये वाली ब्रांच है जो प्राइमरी से निकलती है, ये वाली ब्रांच ये सेकेंडरी ब्रांच है इस चिकपी प्लांट्स की, ये ब्रांच भी सेकेंडरी है। हाँ, अब ये देखें ये मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से जो निकल रही है ब्रांच, ये प्राइमरी ब्रांच, ये भी प्राइमरी ब्रांच है और ये भी प्राइमरी ब्रांच है, ये भी प्राइमरी ब्रांच, ये ऊपर तक, ये सब प्राइमरी ब्रांचेस है, ये देखें ऊपर तक जा रही हैं। उसके अलावा जो इनके लीव्स हैं एक ब्रांच के दूसरी ब्रांच के सामने हैं, बिल्कुल एक ही ब्रांच पे जो लीफ होते हैं वो एक लीफ दूसरे लीफ के बिल्कुल सामने होता है बट थोड़ा सा नीचे होता है। ये देखें आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें थोड़ा सा फासला है यहाँ पे। चिकपी की जो क्रॉप्स होती है या प्लांट्स होते हैं ये लेग्यूमिनस को होती हैं, चिकपी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ज़्यादातर, इसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है, देख सकते हैं। उसके साथ छोटी छोटी रूट हेयर्स हैं निकलती हैं, ये छोटी 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 है और इसमें नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ये आप छोटे छोटे इस रूट्स के ऊपर जो दाने दाने नुमा देख सकते हैं जो बने होते हैं, ये नोड्यूल्स होती हैं। इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो बनाता है चिकपी प्लांट्स के अंदर, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं चिकपी प्लांट्स के अंदर ताकि रूट्स दूसरे न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन के साथ ऑब्टेन कर सकें प्लांट्स रूट के ज़रिए। यहाँ पे आप वाजे देख सकते हैं नोड्यूल्स की फॉर्मेशन, ये नोड्यूल्स के जो छोटे छोटे दाने बने हुए हैं ये नोड्यूल्स होते हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बनाता है रूट्स के अंदर। जब वो रूट्स हेयर्स के ज़रिए चिकपी प्लांट्स की रूट्स में इंटर हो जाता है फिर वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करवा देता है, फिर बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद किसी और प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।